अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो आ गई कौन 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 आ गई? असली में उसका भूत। अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमने मंत्री से कह के उसे मरवा दिया था, अब वो अपना बदला लेके ही जाएगी। आपको पता नहीं है, उसने अपने हाथों से, अपनी शक्तियों से पूरा का पूरा बेड ही उठा लिया। क्या? हाँ हाँ, हमारी तो खैर नहीं, वो हमें मार देगी। अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो हमें मार देगी। मैं कब भूत तो नहीं चुप रहा हूँ। दीवारों के भी कान होते हैं, समझी? देखो, कोई भूत भूत नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, मैंने तुम्हें महक का चेहरा और उसकी पहचान इसलिए दी थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक हो। तुम ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे मुझे अपने ही फैसले पर शक होने लगे, समझी? अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो भूत ही था। वो तुम चुप रहो, कोई भूत भूत नहीं होता है, वहम है तुम्हारा। मुझे लगता है कि किसी को पता चल चुका है कि तुम असली महक नहीं हो, इसीलिए तुम्हें डरा रहा है। अब हमें किसी भी तरह से उस इंसान को ढूंढ कर निकालना पड़ेगा और उसका काम तमाम करना पड़ेगा, से पहले कि वो हमारा ही खेल खत्म कर दे, समझी? मुझे पता है तुम लोग किसी नई चाल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इस बार आपके चाल पे नहले पे दहला फेंकूंगी मैं, और आप दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मिस्टर अग्निवंशी को सच बताऊंगी। पहले वो ब्लैकमेल वाला लेटर, उसके बाद तुम्हें डराने की कोशिश। जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारे साथ, हो ना हो, उसके पीछे उस सुभाष का ही हाथ है। उसी के आने के बाद ये सब शुरू हुआ है। लेकिन महक के भूत का क्या? कोई भूत नहीं है, महक मर चुकी है। तुम्हारे साथ नजर का धोखा हुआ है, और कहीं ना कहीं सुभाष भी इन सब में शामिल है, मिला हुआ है। इसी लाज किसी भी तरह से उससे उसका गुनाह कबूल करवा के रहेंगे। कौन है? दरवाजा खोलो, मैं हूं। सुबह सुबह माँ यहां क्यों आई है? मैंने कहा दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। चौटाला, जी मैं तलाशी लो।
मैं सब तलाशी किस लिए? वो मेरा नौलक का हार नहीं मिल रहा है सुबह से। मैम साहब, हम चोरी नहीं किए, आप हमारे रूम की तलाशी काहे ले रही हैं? क्योंकि हमारे घर के सारे नौकर पुराने हैं, बस तुम ही एक नए हो। उन सब पर तो हमें विश्वास है, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो? पर मैम साहब, हमारी बात मानिए, हम चोरी नहीं किए। आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ये घर हमारा है, तो हमें ही तय करने दो कि क्या गलत है और क्या सही। मैडम, ये रहा हार। यही है मेरा हार जो खो गया था। मेम साहब, हम यह हार नहीं चुराए, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात मानिए। अगर मेरे एकांश को पता चला कि तुमने चोरी की है तो जान ले लेगा वो तुम्हारी। अगर मुझे बता दो कि तुम किसके लिए काम करते हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। बोलो, किसके लिए काम करते हो? मेम साहब, हम तो जय घर में काम कर रहे थे, आपके लाने काम कर रहे थे, और कोई कहां से आए? चौटाला जी, इसे एकांश के पास लेकर चलो। मेम साहब, हम कछु नहीं की, हम कहाँ लेके जा रहे हैं? चलो, शुक्र है इसकी नजर हमारे गहनों पे नहीं पड़ी। ए, हंस क्यों रहे हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, तुझे तो मैं दिखा दी। रुको, पिछली बार तुम्हें गलत समझा था, तब तुम्हें रतौंधी थी, इसलिए इस बार तुम्हें सफाई देने का मौका दे रहा हूं। साहब जी, अगर हमने चुराव हो तो हम भाई तकिया के नीचे काहे रखते? कहीं ऐसी जगह रखते जहां कोई की नजर नहीं पहुंचे, कहीं गड्ढा में गाड़ देते, घर के बाहर जाके फेंके आते, मगर हमने ऐसा नहीं कर। जाको मतलब तो साफ है, कोई ने बुहार हमने कमरा में जबरदस्ती रखो हमें फंसावे के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों के बारे में ये सब बोलने की? होते कौन हो तुम? समझते क्या हो अपने आप को? अरे औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे दो कौड़ी के नौकर के लिए मेरे घर में से कोई ऐसी घटिया हरकत करेगा? हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी इसके। पहले तो चोरी की, अब पकड़ा गया तो इल्जाम किसी और पर डाल रहे। इसे तो अभी के अभी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बीमा, ले जाओ इसको। साहब जी, आपके बीवी को हार चोरी भाव, बाकी लाने इतनी सी सजा? अच्छा, तो तुम बताओ कौन सी कठिन सजा देनी है? चोरी करवे वाले जब पूरी प्लेट मिर्चे की खाने पड़े और एक घंटा तक भाई बिल्कुल पानी नहीं मिले, ठीक है साहब जी? ठीक है। वाह, अपनी सजा तू खुद तय कर रहा है, ऐसा तो दुनिया में पहली बार देखा है मैंने। और एक बार सजा शुरू हो गई तो फिर बीच में कोई ना है। बिल्कुल,
मेरी तरफ से इसके लिए एक प्लेट मिर्ची और बढ़ा दीजिए। हाँ, और उस चोर को लोहे से जलाएंगे और उसके बाद उसे गंजा करके, उसका मुंह काला करके ना पूरे रास्ते पे घुमाएं। अब जब सजा तय हो ही गई है तो मैं बता देती हूँ कि चोर कौन है। और मेरे पास बाकी खिलाफ सबूत भी है। मैं सबूत अभी अपने कमरे से ला दूं। अगर आप पे मुझ पर शक है तो आप जिसे चाहे उसे मेरे साथ भेज सकते हैं। जी भाई साहब। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।